कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दूंगा, सिंपल सा सवाल है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। एफडीआई के लिए मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है। कितनी बेइज्जती मेरे देश की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सत्ता सरकार यानी कि यूपीए की सरकार की कड़ी आलोचना करते थे, पर अगर आज के मोदी जी की बात करें तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब ही देना बंद कर दिया है। आज हम बात करेंगे मोदी जी के कुछ बयानों की जो उन्होंने 2014 में सत्ता में आने से पहले दिए थे और देखते हैं मोदी जी अपने बयानों पर कितने कायम रहे। पहले बात करते हैं जीएसटी की यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। आइए देखते हैं मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को क्या कहा था जब वे जीएसटी लाने पर विचार कर रहे थे। जहां तक आर्थिक सुधार का सवाल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। आज से एक वर्ष पूर्व श्रीमान प्रणब मुखर्जी जी भारत के वित्त मंत्री, उनके साथ मेरी मीटिंग गुजरात में हुई थी और तब मैंने उनसे कहा था कि जब तक आप आईटी नेटवर्क खड़ा नहीं करते जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। पर सत्ता में आने के बाद नोटबंदी के एक साल बाद मोदी जी ने खुद ही जीएसटी लॉन्च कर दिया और ये भी नारा प्रचलित हुआ कि वन नेशन वन टैक्स। 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का एक दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है और मैं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, क्योंकि इससे पूरे भारत में अब एक चीज पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। मोदी ने पहले तो आलोचना की और बाद में इसे खुद ही एक इवेंट की तरह लॉन्च कर दिया। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। आगे बढ़ते हैं। 2014 से पहले मोदी जी ने यूपीए सरकार की आधार कार्ड स्कीम की कड़ी आलोचना की थी। मैं जरा कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, आपने ऐसा क्या पाप किया सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा, जवाब दो। पर 2014 के बाद मोदी जी खुद ही आधार कार्ड की स्कीम लेकर आए और देश में आधार कार्ड को अनिवार्य भी कर दिया। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। अब बात करते हैं एफडीआई की यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। एफडीआई के फायदे तो मोदी जी काफी बार गिना चुके हैं पिछले कई सालों में। हमने एफडीआई के बारे में काफी बार मोदी जी से सुना भी है, पर 2014 से पहले मोदी जी एफडीआई से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आते थे। तब वे यूपीए सरकार के इसको लेकर कड़ी आलोचना भी करते थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एफडीआई के लिए मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शत प्रतिशत जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन खरीदी करने आएगा। जब वे सत्ता में आए मोदी जी ने एफडीआई के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिया।
देश की जनता को इसके फायदे होने की बात भी कही। इन दिनों एफडीआई की बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उसे जरा अलग नजरिए से देखता हूं। भारत के नागरिकों के लिए भी एफडीआई एक जिम्मेवारी है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। अब बात करते हैं भारत चाइना विवाद के ऊपर, मोदी जी के उस बयान की जो मुद्दा आजकल सुर्खियों में है, यानी चाइना की सेना घाटी से पीछे की तरफ जा चुकी है। 2014 से पहले मोदी जी ने इसके बारे में क्या कहा था, जरा आप ये भी सुनिए। सामान उड़ता है चाइना आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे, और मैं हैरान हूँ जी, चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दी। सिंपल सा सवाल है कि चाइना हिंदुस्तान में घुस के आया वापस गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है हमारी धरती पर से हम भी पीछे गए? और तब जाकर के सामान्य मानव के मन में सवाल खड़े होते हैं, कितनी बेइज्जती मेरे देश की हो रही है भाइयों। अगर अब की स्थिति की बात करें तो चीन की सेना और भारतीय सेना दोनों ने घाटी से कुछ किलोमीटर पीछे की तरफ आ चुके हैं। गलवान घाटी में पीछे हट रहा है चीन। सूत्रों के मुताबिक इस एंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीन के सैनिक, भारतीय सेना भी पीछे हटी। अब बात करते हैं रेलवे को लेकर। जी हाँ, रेलवे में सरकार ने प्राइवेट ट्रेनें चलाने को मंजूरी दे दी है, पर मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि ट्रेन का निजीकरण नहीं होगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है, हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। पर अब की बात करें तो सरकार ने 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनें चलाने को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी दी थी। कि जो मैंने कहा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, और हमने एक LHB टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सो बेसिकली यह है कि 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी, उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं, और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी, और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है।
तो आपने मोदी जी के 2014 के पहले के बयान सुने जब वे सत्ता में नहीं थे। मोदी जी हर बात पर सरकार की कड़ी आलोचना करते थे। क्या मोदी जी अब अपने खुद के दिए पुराने बयानों पर गौर करेंगे? आखिर में हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।